यूनियन क्लब में संभाग स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने किया। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर पुरंदर मिश्रा ने 4 दिवसीय संभाग स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट पहुंचे सभी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। होरा ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा का आभार जताया। इस मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने खेल खिलाड़ी जिंदाबाद के जयकारे के साथ कहा कि मैं यहां बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूं। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि होरा का खेलों के प्रति गहरा लगाव है। उनके प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ के बच्चे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। होरा के ही नेतृत्व में प्रदेश के खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस अकेडमी बड़ी सौगात के रूप में मिला है। साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजन ब्रिक्स गेम्स में भारतीय टीम का मैनेजर चुना जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्हें उनकी सभी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही विधायक मिश्रा ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी है। महासचिव संजय मिश्रा, सचिव गिरीश अग्रवाल, यूनियन क्लब के अन्य पदाधिकारी समेत सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद रहे। यूनियन क्लब द्वारा हर समय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाता है। आज भी उसी कड़ी में जूनियर टीम का आयोजन किया गया है। मैं हमारे यूनियन क्लब के अध्यक्ष भाई गुरुचरण होरा जी को, उपाध्यक्ष भाई विजय जी को और अग्रवाल साहब को बधाई देता हूं कि ऐसे निरंतर बच्चों के काम को सुधारें और खेल खिला करके सिखा करके उनको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजें, यही शुभकामना देता हूं। और मैं क्लब से खिलाड़ी बच्चों से निवेदन करता हूं कि मेरा लाइक जो भी काम होगा मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा, खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिविजनल लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। यूनियन क्लब लगातार बहुत वर्षों से खेलों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध क्लब है और करीब यहाँ 300-400 बच्चे जो है अंडर 16, अंडर 14, अंडर 12 ये मैच का आयोजन का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और समापन जो है वो 31 तारीख को होगा। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं पूरे प्रदेश के और ये डिविजनल लेवल पे पूरे डिवीजन के लोगों में जहाँ जहाँ कोचिंग चलती है उनके बच्चों को उभारने के लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है।